हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग अभी तक मेरे हरिद्वार ऋषिकेश के ब्लॉग देख रहे थे, तो ये ब्लॉग भी उन्हीं में से एक है, जो कि ये ब्लॉग है हरिद्वार का। जिस दिन हमने मनसा देवी की चढ़ाई करी थी, मतलब मनसा देवी के दर्शन किए थे, तो उसी दिन हमने यहाँ पावन धाम के मंदिर के भी दर्शन किए थे। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है, लेकिन लेट आ रहा है थोड़ा सा, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि घर आने के बाद बहुत सारे काम हो गए थे कि ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। और यहाँ पर ना भगवान जी की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमा है, तो आप लोग भी सभी भगवान के यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को कोई भी स्किप करके मत देखना, फुल वॉच करना और प्यारा से एक कमेंट देना। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर ना, मतलब मिस्ट्री को तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ रास्ता निकल रहा है और कहाँ क्या निकल रहा है, क्योंकि जो कांच लगे हुए थे ना, मतलब शीशे लगे हुए थे ना, तो मिस्ट्री सोच रही थी कि शायद इसमें से भी घुसने का है। तो मिस्ट्री तो शीशे से पहले टकरा भी गई थी, मिस्ट्री कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये निकलने का रास्ता है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ पर आने के बाद ना मतलब एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तो आप लोग पूरा देखिएगा और सभी भगवान के आप लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखा ना आप सभी ने कि कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा है यहाँ भगवान की, और जो कारीगरी की गई है ना वो भी बहुत अच्छी है। जिसने भी की है ना उसे दिल से सैल्यूट है। लेकिन मेरा ब्लॉग अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये मंदिर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसीलिए अभी बहुत सारे भगवान यहाँ पर रह गए हैं जो कि आप लोगों को दिखाना बाकी है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखो ये हनुमान जी हैं और वो सरस्वती हैं बेटा, और ये हैं देखो दुर्गा माँ, है ना? अरे तो पता ही होगा ये कौन है, और साथ में और ये वाले
इस मंदिर में कांच का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसीलिए इस मंदिर को पावन धाम कांच वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जाने वाले हैं दूसरे मंदिर के लिए, तो चलिए चलते हैं हम राम मंदिर। और अब हम लोग आ गए हैं राम मंदिर, तो चलते हैं अंदर की तरफ। राम मंदिर बिना से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पावन धाम कांच वाले मंदिर की तरह से ही लगेगा, बस इसमें इतना सा डिफरेंट है कि इसमें मिरर नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि उस वाले मंदिर में मतलब काफ़ी ज़्यादा मिरर का यूज़ था, इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इसमें कारीगरी की गई है ना वो बिल्कुल सेम सेम है। राम मंदिर में इस टाइम हम लोग हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलेंगी। तो पहले आप लोगों को नीचे का सब कुछ दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ऊपर के लिए चलेंगे। इस मंदिर में मोबाइल से वीडियो बनाने पे 5 रुपये का चार्ज जाता है, मतलब अगर हम 2 फोन से वीडियो बना रहे हैं तो 10 रुपीज़ देना पड़ेगा, और 1 से बना रहे हैं तो 5 रुपीज़। तो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, जिस हिसाब से मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लॉन्ग होने जा रहा है, लॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ ना कई दिन से मैं बाहर के ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने दोनों मंदिर का ना इसीलिए एक में ऐड कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर हो रही है राम भगवद गीता, तो आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। देखो मिस्टी ऊपर देखो, जरा मंदिर को देखो, निहारो कितना सुंदर है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने ना अपने सुदामा जो थे उनके दोस्त उनके पैर धोए थे, कृष्णा जी के जो दोस्त थे ना वो कौन थे, सुदामा। जो ये बैठे हुए हैं ना ऊपर, ये सुदामा जी हैं। आओ ये देखो जटायु, देखो इधर आओ, जटायु है देखो। ये हैं बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ, तो ये जो झांकियाँ हैं ना ये राम मंदिर के अंदर ही हैं, मतलब राम मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि आप लोगों को अभी मैं पहले बता रही थी ना, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं इस टाइम। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आने का जो चार्जेस देना पड़ता है वो 5 रुपीज़ जाता है, मतलब 1 पर्सन का 5 रुपीज़ चार्ज लगता है इन झांकियों को देखने के लिए। Thank you.
आप लोग भी अगर कभी हरिद्वार जाएं ना तो इन मंदिरों में जरूर कराना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और बहुत ही सुंदर मंदिर हैं, और यहाँ की खूबसूरती के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि सच में बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर बैठे हुए पंडित जी सुना रहे हैं भागवत, और सभी लोग भागवत का आनंद ले रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रही हूँ सारा व्यू, पूरे मंदिर का लुक ऊपर से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और ये है राम सेतु पत्थर, जो कि है 21 किलो 800 ग्राम का, तो आप लोग इसके भी दर्शन कीजिए। ये है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। तो ये जो मंदिर था बिल्कुल राम मंदिर के नज़दीकी था, मतलब कुछ दूरी पे ही चलकर ये वाला मंदिर भी था, तो हम लोग इसके अंदर भी गए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ इस मंदिर का भी शेयर किया है। इसमें भी अंदर कुछ झांकियाँ देखने को मिलेंगी, तो बाहर का सीन कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। और अब हम लोग आ गए हैं शिवानंद धाम मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर। तो यहाँ पर हैं हमारे शिव जी विराजमान, और यहाँ का भी बहुत अच्छा सीन है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। इस ब्लॉग का कर देती हूँ मैं यहाँ पर ही, एंड मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम।